हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी कुरकुरी भिंडी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुरकुरा भिंडी बनाने के लिए ये सब इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। 200 ग्राम भिंडी को ऐसे काट के और अंदर से सीड निकल के रखा। फ्राइंग के लिए ऑयल, 1 चम्मच राइस फ्लावर, 2 चम्मच बेसन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। भिंडी को ऐसे पहले बीचों बीच में ऐसे काटने का और ऐसे काट के और जो अंदर का सीड रहता है अलग से निकाल लेने का। ऐसे सारे क्लीन करके रखा। सारे भिंडी में राइस फ्लावर, बेसन, रेड चिली पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, हल्दी और अमचूर पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। 1 चम्मच पानी ऐड कर देती हूँ। पानी ऐसे ऐड करने का, चारों साइड अच्छी तरह से पानी स्प्रेड कर दिया। अभी अच्छी तरह से कोट कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पहले से ही मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो गया। अभी जो भिंडी तैयार करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ फ्राइंग के लिए। और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेने का। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, मेरे बच्चे लोग को बहुत पसंद है। तो मैं सोचा आप लोग को साथ शेयर करूँ, इसके लिए आज क्रिस्पी कुरकुरा भिंडी फ्राई बना रहा हूँ। पलट पलट के अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। टॉवल सोक करने के लिए किचन टिश्यू पे निकल के रखती हूँ। ऐसे कुरकुरे भिंडी फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम में चाहिए, तभी क्रिस्पी होता है। ऐसे सारे भिंडी को फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। ऐसे एक एक करके छोड़ने का। और पलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेने का। सारे कुरकुरे भिंडी फ्राई बन के रेडी हो गया। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में फ्राई किया। देखिए है ना मज़ेदार कुरकुरा भिंडी फ्राई, टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा भिंडी। देखिए कैसे क्रिस्पी बना, आवाज से
आप लोग को पता चलेगा। कुरकुरा क्रिस्पी भिंडी फ्राई बनके रेडी हो गया। बहुत इजी से बन जाता है कम इंग्रेडिएंट्स में और खाने में बहुत टेस्टी बनता है। ऐसे बनाइए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।